इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में फॉन्ट साइज को आप जो है चेंज कैसे कर सकते हैं या फिर आप फॉन्ट साइज को सेट कैसे कर सकते हैं, मतलब आपका फॉन्ट जो है कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, और अगर आपका छोटा है तो आप बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा है तो छोटा कैसे करेंगे, मतलब चेंज कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके लिए आपको अपने सैमसंग मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें फॉन्ट साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप फॉन्ट साइज के सेटिंग में आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अपने फ़ोन में डिस्प्ले का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तब आप फॉन्ट साइज में कैसे जाएंगे, तब आपको अपने सैमसंग मोबाइल फोन में ऊपर एक सर्च का आइकन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर देंगे फॉन्ट साइज। तो आप जैसे ही यहाँ पर फॉन्ट साइज यहाँ पर जो है टाइप करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट साइज का सेटिंग मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉन्ट साइज वाले सेटिंग में आ जाएंगे। अब देखिए अगर आपको फॉन्ट साइज छोटा करना है तब आप जो है इसे जो है इस ओर लाइए तो आपका फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट साइज छोटा हो चुका है। लेकिन अगर आपको फॉन्ट साइज को बड़ा करना है तब आपको ये जो बिंदु है इस पर फिंगर से टच करके इसे इस ओर लाना है तो आपका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, तो आप इसे जितना भी रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से रख सकते हैं, और चेंज करना चाहते हैं मतलब छोटा बड़ा भी करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप जो है इसे चेंज भी कर सकते हैं। जितना आप इसे इस ओर लाएंगे तो आपका फॉन्ट साइज छोटा होगा, और जितना आप इसे इस ओर लाएंगे तो आपका फॉन्ट साइज बड़ा होगा। इस तरीके से आप जो है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में आप फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।